हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजू भवानी, आई वेलकम यू इन इंग्लिश लिटरेचर BA पार्ट फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम गुरुग्राम कॉलेज. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज योर पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार कंपोज्ड बाय जोनल. दिस इज आवर पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस पोएम. ये हमारी इस पोएम का थर्ड पार्ट है. पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इस जो पोएम है आपकी, इस पोएम के जो पोइट हैं जॉन डन, उनके बारे में रीड किया था, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में रीड किया था. और हमने जो हमारी पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उसकी थीम के बारे में रीड किया था कि पोइट ने इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की है, वो क्या हमें एक्सप्रेस कर रहा है. और हमने देखा कि ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोइट है वो क्या दिखाता है, अपना अनबिलीवनेस दिखाता है, मतलब कि फेथफुल अनफेथफुलनेस दिखाता है लेडीज़ की. इन दिस वीडियो द पोइट कमेंट ऑन द लेडीज. ही सेड दैट A lady who is fair that cannot be faithful. अगर कोई ladies fair है, मतलब कि सुंदर है दिखने में, तो वह कभी भी जो है faithful, मतलब भरोसे के लायक नहीं हो सकती. जो main हम central idea की बात करें एक line में, तो ये है इस poem की first line में, one line में ही moral या थीम, मॉरल आइडिया या थीम कह सकते हैं कि जो मतलब के जो लेडीज है अगर वो ब्यूटीफुल है, फेयर है, तो वो क्या है, फेथफुल नहीं है. और इस वीडियो में, और हमने जो लास्ट की वीडियो थी हमारा पार्ट टू, उस पर इस पोएम के फर्स्ट एंजा के बारे में रीड किया. जो फर्स्ट एंजा था उसमें क्या बताया हुआ था, फर्स्ट एंजा को रीड करने से पहले मैंने आपको बताया था ये जो पोएम है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है. जो पोइट है हमारे जॉन डन, वो भी क्या है, एक मेटाफिजिकल पोइट है. और आपको बताया था कि जो मेटाफिजिकल पोइट होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट जो उनकी इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं या उनकी पहचान देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनकी जो लाइंस होती हैं, फर्स्ट लाइन होती है पोएम की, वो रूट फॉर्म से या अट्रैक्टिव, मतलब रूडली स्टार्ट होती है. सेकंड क्या था, फर्स्ट तो आ जाएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, रूट फॉर्म से स्टार्ट होती है. सेकंड जो पोएम होती है वो क्या है, रूडली स्टार्ट होती है. थर्ड उस पोएम में क्या होगा, आपको नॉर्मल बातों के अलावा, मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल से अलग का लाइफस्टाइल, मतलब हम कह सकते हैं भूत प्रेतों की जो बात है वो इसमें आपको ऐसी पोएम्स में दिखाई देती हैं. तो इस तरह की जो पोएम्स होती हैं उनको हम कहते हैं मेटा फिजिकल पोएम्स. और जो पोइट इनको यूज़ करता है इस टर्म को, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट. तो जॉन डन है वो क्या है, एक मास्टरी है, उनके पास मास्टरी है इस फॉर्म में लिखने की. मतलब इनकी जो पोइम्स है ज़्यादातर हम मेटाफिजिकल फॉर्म में ही देखते हैं. इनकी जो इनकी पोइम्स में हम कंसीट देखते हैं. कंसीट का मीन्स क्या होता है, मतलब कंपैरिजन होता है, बहुत ही फार 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 कंपैरिजन, मतलब ऐसा कंपैरिजन जो देखने में तो क्या लगेगा कि इम्पॉसिबल सीन होता है, इम्पॉसिबल लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता. लेकिन वो जो कंसीट में क्या है, मतलब ऐसा कंपैरिजन तो देखने में तो क्या लगेगा, बहुत ही देर लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा. लेकिन हम इसको जब डीपली देखेंगे तो हम इसे जान जाते हैं कि ये हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली कंपैरिजन होता है, लेकिन हम उसको मान नहीं पाते हैं. जैसे कि इनकी एक पोएम है सनराइजिंग, उसमें वो क्या है, अपने ब्लड को बताता है कि हम दोनों क्या हैं, एक कंपास के टू पार्ट्स हैं. कंपास क्या होती है, इस तरीके की होती है कंपास. अब वो क्या कहता है कि मैं और मेरी ब्लड, ये मेरी ब्लड है और ये मैं हूँ, हम दोनों क्या हैं, एक कंपास के टू पार्ट्स हैं. और कहते हैं कि हम दोनों कभी नहीं मिलते. जैसे कि आप जानते हो कंपास जो होती है, जिसे हम डायरेक्शन को देखते हैं, वह कंपास की जो ये होती हैं एरोज होती हैं, ये
आपस में कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन वो क्या कहता है, हम कभी भी नहीं मिलते लेकिन हम क्या हैं, हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं, हमारे जो दिल है वो आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब यहाँ जैसे सेंट्रल जो हमारा है वहाँ से तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन दिखने में हम क्या दिखाई देते हैं, दो दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, कंसीव का एक एग्जाम्पल है जो पोइट अपनी पोइम में यूज़ करता है। और अब इस पोइम में जो फर्स्ट स्टैंजा था हमने देखा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइन थी हमारी फर्स्ट लाइन यही थी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को ढूंढ लाओ, पकड़ लाओ, ढूंढ लाओ नहीं, फॉलिंग का मीन्स क्या होता है, पकड़ लाओ, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। अब देखो गो, अभी तो पोइम हमने स्टार्ट की थी और पोइट ने हमें आते ही क्या कहा, गो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गो है वो क्या है, रूट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आते ही जाने के लिए कह रहा है, अभी तो पोइम स्टार्ट हुई है और क्या कह रहा है, गो जाओ। तो ये क्या है, रूटली स्टार्ट हो रही है। तो ये मेटाफिजिकल जो पोइम्स होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है। अब जो आज की वीडियो है उसमें हमने सेकंड स्टैंजा डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था जो पोइट है वो क्या है, कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाता है कि जो क्या है, इम्पॉसिबल है। फर्स्ट जो लिस्ट बनाता है, हम लिस्ट याद करते हैं, हमने क्या क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें फर्स्ट हमने देखा था यही कैच अ फॉलिंग स्टार के क्या है, कैच करना है एक फॉलिंग स्टार को, एक गिरते हुए तारे को पकड़ना है। दूसरा देखा था गेट ए चाइल्ड, गेट अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो मैंड्रेक होता है वो क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखने वाला पेड़ होता है, मतलब कि जिसकी जो आकृति होती है, पेड़ की शेप होती है, वो क्या होती है, ह्यूमन जैसी होती है। और जो पोइट है वो हमें क्या कहता है कि जाओ और ह्यूमन, मतलब कि उस पेड़ से क्या है, एक बच्चा प्राप्त कर लाओ। थर्ड वो हमें क्या कहता है, कैच अ फॉलिंग स्टार। दूसरा ये हो गया चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट। फिर बताता है हियर हियरिंग द मरमेड सॉन्ग्स, हियरिंग द मरमेड सॉन्ग्स क्या बताता है वो, के जल परियों के गाने को हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे हम जल परियों के गाने को सुन सकते हैं। और हमें वो क्या बताता है, वो कहता है कि ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, और कहता है टेल वेयर पास्ट टाइम गॉन, के जो पुराना टाइम है जो हमारे बीता हुआ कल होता है वो कहाँ चला गया। और फिफ्थ नंबर को क्या बताता है, फिफ्थ नंबर जो बताता है हु क्लेफ्ट, मतलब चीरना, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फीट, कि मुझे ये बताओ कि किसने डेविल, मतलब कि शैतान के पैरों को चीरा था। सिक्स्थ नंबर वो हमें बताता है कि टेल द विंड विच मेक्स अ मैन ऑनेस्ट, अ मैन ऑनेस्ट, ये ऐसी कौन सी हवा है जो मैन को ऑनेस्ट, मतलब कि ईमानदार बनाती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टैंजा की जो छह, मतलब कि लाइन्स थी, आपकी जो लाइन थी उनकी छह कही हुई बातें, कि उन्होंने क्या क्वेश्चन हमसे क्या करने के लिए कहा है। और ये कहा था लास्ट में कि ये तुम चीजें कर सकते हो लेकिन
जो एक ऐसी लेडीज को ढूंढना जो क्या है, फेयर है और फेथफुल है, वो इम्पॉसिबल है। कि जैसे ये चीज़ें दिस थिंग्स कैन बी नॉट बी डन एज वेल एज यू कान फाइंड अ लेडीज विच इज फेयर एंड फेथफुल। के जिस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉसिबल है करना, उसी तरीके से जो लेडीज है, जो सुंदर लेडीज है, उसका फेथफुल ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। अगले स्टैंजा में अब हम रीड करते हैं कि अगले स्टैंजा में पोइट हमें क्या बता रहा है। तो दहला स्टार्ट, इफ दो बेस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेन साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी light and thousand days and nights till is snow white hair on thee and swept nowhere leaves a moment blue and fair। अब देखो हम सबसे पहले क्या है इसके जो मीनिंग्स है, आप देखो ये दीवर है, ठीक है, ये दो है, ये क्या है, पुरानी जो इंग्लिश थी उसकी कुछ वर्ड्स है। जैसे दी, दी का मीन्स होता है यू, ठीक है, दो का मतलब योर। तो इस तरीके से ये क्या है, पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको जो पोइट होते थे वो अपनी पोएम्स में या नॉर्मल जो इंग्लिश है उसमें यूज करते थे। तो आओ इस पोएम की जो अगला स्टैंडर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। तो पोइट है क्या कहता है, इफ द बेस्ट बॉर्न ट्रेन साइड, इफ दो कि अगर तुम, कि अगर तुम्हारी जो आंखें हैं, जो तुम्हारी बोन है, तुम्हारा जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, टू स्ट्रेन साइड, टू स्ट्रेन साइड देखने के लिए, स्ट्रेन साइड मतलब कि जो अजीब से जो साइट्स हैं, जो स्ट्रेंज हैं, स्ट्रेंज का मतलब जो अलग से, जो कभी ना देखे जाने वाले या बहुत ही रेयर देखे जाने वाले सीन्स हैं। स्ट्रेंज का मतलब हम लोग रेयर से भी ले सकते हैं कि जो अलग से दिखने वाले जो सीन है, अगर तुम्हारा जन्म उनके लिए हुआ है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीजें जो इनविजिबल है, जो क्या है, इनविजिबल मतलब कि गायब है या अप्रकट चीजें, अप्रकट चीजें मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि भूत प्रेत, जो हर किसी को नहीं दिखाई देते, हम मानते हैं ना कि जो भूत प्रेत होते हैं वो क्या है, इनविजिबल होती हैं, कि ऐसी चीजें जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, अगर तुम्हारा जन्म उन इनविजिबल चीजों को देखने के लिए हुआ है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, राइट का मतलब सवारी करना, सवारी करना कैसे दिया, तुम्हें सवारी करनी है कितनी, 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिन और रात, लगातार कब तक, 10,000 दिन और रात, टिल एज स्नो वाइट, स्नो वाइट बर्फ की तरह सफेद, बर्फ की तरह सफेद या पूरी तरह सफेद कह सकते हैं, स्नो वाइट होता है एकदम प्योर जो वाइट होता है उसको स्नो वाइट बोलते हैं। टिल एज तुम्हें कब तक वाइट करना है, 10,000 डेज और नाइट्स तक तुम्हें वाइट करते रहना है, जब तक तुम्हारी जो एज है वो कब, कहाँ तक हो जाए, हेयर ऑन दी मतलब कि तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे बाल हैं वो क्या है, पूरी तरीके से सफेद पड़ जाए, मतलब कि 10,000 दिन और रात लगातार तुम्हें राइड करनी है, जब तक कि तुम क्या है, ओल्ड एज, ये हम कह सकते हैं स्नो वाइट हेयर जो है वो किसको प्रेफर कर रहा है, जो पॉइंट है ओल्ड एज को प्रेफर कर रहा है, कि ये क्या कहता है रीडर्स को, कहता है कि तुम 10,000 दिन और रात तक, जब तक तुम्हारे जो बाल हैं पूरी तरीके से सफ़ेद एकदम प्योर वाइट नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें राइड करना है या तुम तब तक राइड कर सकते हो। एंड स्वेर और कसम खाओ, एंड स्वेर, स्वेर का मीन्स क्या होता है, कसम खाना, एंड कसम खाओ और कसम खाओ
नोवेयर कहीं भी नहीं, नोवेयर कहीं भी नहीं, नोवेयर कहीं भी नहीं, लीव्स अ वूमन ट्रू एंड फेयर, लीव्स अ वूमन, लीव्स मतलब रहती है, ए वूमन मतलब एक औरत, ट्रू मतलब सच्ची, एंड फेयर मतलब सुंदर, मतलब कि अगर तुम दिन रात 10,000 दिन रात तक लगातार भी अगर तुम गाइड करोगे फिर भी तुम कहीं भी नहीं पाओगे ऐसी लेडीज को जो क्या है ट्रू और फेयर है, सच्ची और सुंदर है, भरोसेमंद है और दिखने में भी वो प्यारी है। तो ये जो स्टैंजा है इसमें पॉइंट हमें क्या कहता है कि अगर तुम्हारा जन्म इनविजिबल थिंग्स को देखने के लिए हुआ है फिर भी तुम 10,000 वर्षों तक भी अगर तुम 10,000 दिन रात तक भी तुम घूम लोगे जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते फिर भी तुम क्या है लेडीज को नहीं देख सकते, ऐसी लेडीज जो क्या है सुंदर है और क्या है फेयर है, सुंदर है और फेथफुल है, मतलब भरोसे के लायक है। पर हम फिर से इस स्टैंडर्ड को देखते हैं, इफ दो बैड बोर्न टू ट्रेन साइड, अगर तुम्हारा जन्म ट्रेन साइड मतलब रेयर जो सीन्स होते हैं जो अजनबी से सीन्स होते हैं अलग से सीन होते हैं उनको देखने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीजें जिन्हें आम आदमी नहीं देख सकता, जिन्हें आम पर्सन जो नॉर्मल पर्सन है या ऑर्डिनरी पर्सन है वो सीन नहीं कर सकता, मतलब अप्रकट या गायब चीजों को तुम क्या हो देख पाओगे या देख सकते हो अगर तुम्हारा जन्म स्क्रीन साइड को देखने के लिए हुआ है। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, तुम क्या करोगे 10,000 डेज और नाइट्स मतलब कि दिन और रात लगातार तुम 10,000 दिन रात तक क्या करोगे राइड मतलब सवारी करोगे, गुड़ सवारी या कोई भी तरीके की सवारी करोगे, टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, कि तब तक, टिल का मीन्स क्या होता है तब तक या जब तक भी कर सकते हैं, टिल जब तक तुम्हारी जो एज है तुम्हारी जो उम्र है वो स्ने वाइट मतलब कि बर्फ की तरह सफ़ेद तुम्हारे बाल नहीं आ जाते, ऑन दी ही का मीन्स मैंने बताया था यू तुम, के जब तक कि तुम अपने स्नो वाइट और स्नो वाइट हेयर की एज में नहीं आ जाते तब तक तुम 10,000 दिन रात तक सवारी करोगे, फिर भी तुम्हें नो वेयर एंड स्वेयर और कसम खाओगे नो वेयर लीव्स ऑफ वूमन ट्रू एंड फेयर, और तुम कसम के साथ कहोगे तुम अबाय स्वेयर कहोगे कि ऐसी लेडीज नहीं मिली जो क्या है ट्रू एंड फेयर है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि जो पॉइंट है वो हमें क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि तुम 10,000 दिन रात लगातार घूमोगे तुम बूढ़े हो जाओगे लेकिन ऐसी लेडीज को नहीं ढूंढ पाओगे, तुम कसम खाकर कहोगे कि हमें ऐसी लेडीज नहीं मिली जो क्या है ट्रू है और फेयर है, मतलब कि क्या है वो सच्ची है और दिखने में भी क्या है वो सुंदर है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा, अगली वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट स्टैंजा को डिफाइन करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करिए और इसको रीड आउट करें, एक बार फिर से आप इसको रीड करें ताकि आपको ये पोएम जो है ये स्टैंजा है अच्छे से समझ आ जाए, और साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ कीप स्टडीड, थैंक यू।